स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले खबरों की शुरुआत करते हैं जिले की सबसे बड़ी खबर के साथ। जिला पंचायत भदोही की बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का रोका गया वेतन। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में हुई बैठक। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो पूर्व सांसद और भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पंडित गोरखनाथ पांडे नए संसद भवन में नजर आए हैं। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ गोरखनाथ पांडे संसद भवन में तमाम मंत्रियों और सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराया। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं तो जिले के गंगा घाटों पर अब गंगा अपना पांव पसारने लगी हैं। यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डिग विकास खंड के बारीपुर गांव में खैरा गांव के पास से गंगा सीधे बारीपुर गांव की ओर अपने लहरों के वेग का चोट देते हुए ग्राम देवी मंदिर और मां शारदा के मंदिर के अस्तित्व के वजूद की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि इन दो देवियों के मौजूदगी और संघर्ष की जंग के बीच ही यहां का अद्भुत दृश्य कटान को लेकर देखने को मिल रहा है। दो देवियों की इस बड़ी जंग का अंजाम क्या होगा? क्या गंगा की लहरें अपना वजूद बढ़ा पाएंगी पारीपुर गांव की ओर? यह समय पर निर्भर करता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो बिहार में आचार्य सिद्धार्थी की कथा की धूम शुरू हो गई है। आपको बता दें बिहार में आयोजित श्री राम कथा के दौरान आचार्य सिद्धार्थी यहां कथा प्रवचन कर रही हैं जिसमें लाखों की भीड़ हो रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो संचारी रोग नियंत्रण अभियान से जुड़ी ये बड़ी खबर है। डिग ब्लॉक के ग्राम पंचायत महुआरी केवटाही समेत कई गांवों में अभियान चलाकर छिड़काव का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बीच मंडली टीमें भी निरीक्षण को पहुंच रही हैं। ग्राम पंचायत महुआरी केवटाही पूरे नगरी समेत मोरवा नदी के तटवर्ती गांव में पौधरोपण अभियान के साथ संचारी रोग नियंत्रण अभियान की दिशा में भी आज डिग ब्लॉक में कार्य होता नजर आया। इस बीच जनसंवाद कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी डीक धनराज कोटारे ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान वीडियो हमारे साथ बातचीत में क्या कुछ बोले हैं डीक के, वीडियो देखिए। सबसे बड़ी और अहम बात ये रही है कि गांव में इस समय साफ सफाई के लिए एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत स्वयं खंड विकास अधिकारी डीक ऐसे गांवों पे नजर रख रहे हैं, तमाम गांवों में जा रहे हैं, पौधरोपण का भी कार्य चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे डीग के खंड विकास अधिकारी से और जानेंगे कि जो कार्यक्रम चल संचालित हो रहे हैं गांव में क्या स्थिति है रोकथाम के लिए, तो क्या हो रहा है ग्राम पंचायतों में? ग्राम पंचायतों में क्लस्टर के अनुसार जो है प्रतिदिन जो है कम से कम 4 गाँव में साफ सफाई कार्य किया जाता है। उस साफ सफाई में हमारे ग्राम पंचायत के श्रमिक, ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, सचिव द्वारा पूरा सहयोग किया जाता है गांव में साफ सफाई हो जाए। साफ सफाई के अंतर्गत जैसे बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम ढेर सारे पानी रुक जाते हैं, उस पानी को रोकना है, रुके हुए पानी को बढ़ाना है, झाड़ियाँ कटाना है और नालियों को सफाई कराना है जिससे कि सिंचाई लोग ना फैल सके। इधर हमारे सारे कर्मी लगे हुए हैं, उसी कर्मी जो लगे उसके काम को जाँच करने के लिए हमारी डब्ल्यूएच की टीम आती है और म्यूनसिप की टीम आती है, उस काम को देखती है और काम को देखकर उसका परसेंटेज तय करती है गाँव में कितना काम हुआ। इस संचारी रोग के संबंध में हम इस समय पूरे विकास खंड में प्रत्येक दिन 4 गांव में ढेर सारे कर्मचारी लग जाते हैं। इसमें आंगनबाड़ी हैं, आशा बहुएँ हैं और जो पशु डॉक्टर हैं वो भी लगे रहते हैं, हमारे PSC के डॉक्टर लगे रहते हैं, हमारे ब्लॉक के कर्मचारी लगे रहते हैं। इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है और सभी को साफ सफाई के संबंध में बताया जाता है। सर, पौधरोपण का भी कार्यक्रम चल रहा है, तमाम गाँवों में पौधे पहुँच चुके हैं, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है पौधरोपण की दिशा में और आपके स्तर से क्या निर्देश दिए गए हैं? हमारे विकासखंड डीग में जो है वर्तमान समय में हमारे ब्लॉक का लक्ष्य है 98,000 पौध लगाना है। इसमें हमने 61,000 पौध उठान करके और आज जो है लगवा दिया है और हमारे 3 ग्राम पंचायतों में पूरे नगरी
और बरेपुर को हमने अपने मौजूदगी में पेड़ को लगवाया। सुबह को हम लोग पहुँच गए थे और वहाँ ढेर सारे जो है लेबर इकट्ठा करके प्रधान लोग भी थे, हमारे सचिव लोग भी थे, हमारे एडीओ लोग भी थे। हमने तीन गांव में मुहिम चला के आज ही हमने सुबह 600 पेड़ लगवा। हमने ये अभियान छेड़ा मोरवा नदी के किनारे, उसका कारण यह है कि मोरवा नदी में हमारे विकास खंड से तीन गांव मोरवा नदी के उससे गुजरते हैं। तो हमने अभियान चलाया कि मोरवा नदी के लगाने से हमें ये फ़ायदा होगा, एक तो नदी में पानी रहता तो पेड़ों को पानी मिल जाएगा आसानी से, दूसरे यहाँ पर वहाँ पर जो है पशुओं का भी, क्योंकि दोनों मोरवा नदी दोनों साइड में किसानों के खेत हैं, तो किसानों के खेत होने से उस वृक्ष की आसानी से सेवा भी हो जाएगी, उसका जो है आसानी से पालन हो जाएगा, गुड़ाई हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इस मुहिम काम को छेड़ा कि नदी के किनारे मोरवा नदी किनारे वृक्ष लगाएंगे तो हमारे वृक्ष को ज़्यादा सुरक्षा प्राप्त होगा और हमारे वृक्ष जीवित रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ डी के खंड विकास अधिकारी धनराज कोटारे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पौधरोपण का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। खास तौर से जल ही जीवन है मोरवा नदी, जिनके वजूद जिनके अस्तित्व के लिए पिछले दिनों प्रशासनिक तौर पर कदम उठाए गए थे। स्वयं जिलाधिकारी गौरांग राठी ने इस पर पहल की थी, उसके पहले विशाख जी के समय मोरवा नदी के पुनरुत्थान की दिशा में कदम बढ़ाया गया था।